खरगोन जिले की समस्याओं को सुनने और समझने की दृष्टि से खरगोन जिले की नवागत कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने स्वामी विवेकानंद सभागार में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। हम आपको बता दें कि पदभार ग्रहण के बाद कलेक्टर ने पहली बार प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कलेक्टर ने खरगोन की समस्याओं को समझा और निराकरण के लिए पत्रकारों से चर्चा परिचर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि विद्यार्थियों को प्रशासनिक स्तर पर सुविधा मुहैया कराने के साथ मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्यवाही होगी। वहीं जिले में कोरोना महामारी से बाधित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बाद कलेक्टर ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग सारी सुविधा के साथ साथ सैंपलिंग कर रहा है और निश्चित तौर पर हम जिले में कोरोना खत्म करने में सफलता हासिल करेंगे। खरगोन से अजय की रिपोर्ट। देखिए, 9 बच्चे और उनका पेरेंट्स को जो है हम बुला के चर्चा भी किए हैं। जिसका गलती है उसकी एडीएम की अध्यक्षता में इंक्वायरी टीम गठित किए गए हैं। तो जैसे सब रिपोर्ट जमा करेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। साथ साथ में हमने ये किया है, बच्चों से ये पूछे थे वो आगे जाके नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कोई और कॉलेजेस में जो है भर्ती लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो उसकी पूरा मदद जो है प्रशासन करेगी। मैम, मनरेगा के तहत जो जिले में काम हो रहा है, देखा जा रहा है कि मजदूरों को काम दिलाने के लिए योजना है, लेकिन कई स्थानों पर मशीनों से रातों रात काम हो रहा है। इसका जांच करेंगे। मैम, कोविड में जिस तरीके से मरीज खरगोन जिले में सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कारण है और क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? हम टेस्टिंग अभी बढ़ाए हैं। पहले जो 400 होते थे, अभी हमने लगभग 700 की टेस्टिंग करा रहे हैं, जिससे ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हो जाएं और उसको समय पर जो है इलाज हो जाए। पब्लिक से ये अनुरोध करूँगी, आगे जाके टेस्टिंग भी करा लीजिए और हम इलाज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है, हमारा आईसीयू भी जल्दी पूर्ण हो जाए और साथ साथ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल की आईसीयूज़ है और प्राइवेट हॉस्पिटल का कोरोना ट्रीटमेंट के लिए खोलने वाले हैं। ऑक्सीजन को लेकर क्या है मैडम तैयारी आपने? ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।